दोस्तों, जीवन में ऐसा वक्त जरूर आता है जब हमें किसी की सहायता की आवश्यकता होती है और हमें कोई मदद नहीं करता, तो हमारे दिल में उसके लिए कड़वाहट आ जाती है। क्या यह सही है? जानने के लिए देखते हैं यह कहानी जिसका शीर्षक है मदद। स्कूल की छुट्टी होने के बाद सरला स्कूल बैग लिए धीरे धीरे जा रही होती है। उसके पैर में चोट लगी है। रास्ते में कमला और बिमला आती हैं। ओ सरला, क्या हुआ? बड़ा स्टाइल से चल रही है। मेरे पैर में चोट लगी है, मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। अजी हाँ, हम तुझे घर तक क्यों छोड़े, हमें देरी नहीं हो जाएगी। हाँ सही कहा, तू ऐसे ही स्टाइल में चलते चलते घर पहुँच जा। कमला विमला हंसती हैं, सरला मायूस देखती है। अगले दिन स्कूल में एग्जाम है और कमला पेन लाना भूल जाती है। ओहो, मैं तो पेन लाना भूल गई, अब क्या करूं? विमला, विमला सुन, मुझे पेन दे दे प्लीज। मेरे पास एक ही पेन है, मैं तुझे क्यों दूं? कमला उदास और परेशान। तभी पीछे से सरला आती है और उसे पेन देती है। कमला, ये ले पेन, एग्जाम अच्छे से देना। तुम मुझे पेन दे रही हो जबकि कल मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। कमला, बदला नहीं बदलाव होना चाहिए। अगर मैं भी तेरी तरह करूँगी तो ये बुराई बढ़ती जाएगी। मुझे माफ कर दो सरला प्लीज। अरे ऐसी बात क्यों करती है, तू तो मेरी सहेली है। दोनों हंसती हैं और गले लगती हैं। दोस्तों याद रखना, गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है, आंख के बदले आंख का सिद्धांत सारी दुनिया को अंधा कर देगा। आंख के बदले आंख का सिद्धांत बदले की भावना पर आधारित है। ऐसे में बदले की भावना पर आधारित एक कभी ना समाप्त होने वाले चक्र का निर्माण होगा और इससे कई लोग प्रभावित होंगे। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं आर्यन, सारिका, सोना और रूपा। धन्यवाद।